तो राइट गाइस, आप लोग यकीन मानो जो आज की वीडियो वो सच में गई यार कमाल की होने, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो के अंदर गाइस यार हम सिंपली गाइस यार इस ट्रैक्टर को गाइस यार पानी के अंदर चलाने वाले और देखते हैं कि गाइस यार जो अपना ट्रैक्टर है वो पानी के अंदर चल पाएगा या फिर नहीं। लेकिन गाइस यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गाइस यार आप पानी के अंदर ऐसे प्रयोग करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लेकिन गाइस यार ये वीडियो सच में काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइस यार चलते हैं ऐसी लोकेशन पर जहां पर गाइस यार पानी काफी ज्यादा भरा हुआ और गाइस यार उस लोकेशन की हमें तलाश करनी होगी कि इतना पानी कहाँ पर है जिसके अंदर हम ट्रैक्टर को चला सके। तो गाइस फिर इसकी शुरुआत करते हैं। हमें जिस लोकेशन की तलाश थी वो लोकेशन मिल चुके और गई जरा आप देख सकते हो यहाँ पर गई जरा काफी सारा पानी पानी भरा और इसी पानी के अंदर गई जरा हम हमारे ट्रैक्टर को गई जरा ड्रॉप करने वाले, यानी कि गई जरा इस पानी के अंदर हम चलाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि गई जरा जो हमारा ट्रैक्टर है वो पानी के अंदर चल पाएगा या फिर नहीं। लेकिन गई जरा आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गाइजर आप ऐसा सच में कहीं पर भी करने की ट्राई बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि गाइजर ये काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। क्योंकि गाइजर आपको पता है कि गाइजर ये बरसात से भरा हुआ पानी है और इसके अंदर गाइजर गहरे गड्ढे भी हो सकते हैं, इसीलिए गाइजर वैसे तो मैं आप लोगों को ऐसा करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देने वाला। लेकिन गाइजर फिर भी आप इस बात का खास तौर से ध्यान रखिए। तो गाइजर आप चलाते हैं पानी के अंदर ट्रैक्टर को और देखते हैं कि क्या होता है। राइट गाइजर, अब हम सिंपली अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं और फिर गाइजर इसे पानी के अंदर चलाने की कोशिश करें। लेकिन गाइजर इसकी खास बात ये है कि गाइजर इस ट्रैक्टर को हम चाबी की मदद से स्टार्ट नहीं कर सकते, और गाइजर सबसे कमाल की बात ये है कि गाइजर इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए हम सिंपली गाइजर सिक्के का इस्तेमाल करते हैं और गाइजर इसे यहाँ से न्यूट्रल कर देते हैं और फिर गाइजर हम इस सिक्के की मदद से इसे बिल्कुल आसान तरीके से कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं। और गाइजर आप देख सकते
विश्वास नहीं हो रहा कि गेजर इतने पानी के अंदर भी ट्रैक्टर चल सकते हैं। पानी के अंदर ट्रैक्टर गाइजर आसानी से सरवाइव कर सकता है, लेकिन गाइजर आप देख सकते हो पानी को पूरी तरीके से इस ट्रैक्टर ने हिला कर दिया। लेकिन गाइजर ये तो गाइजर ये बात तो माननी पड़ेगी, ट्रैक्टर है ना गाइजर, इसका साइलेंसर होता है ना गाइजर, वो काफी ऊपर होने के कारण गाइजर ये पानी के अंदर भी गाइजर आसानी से चल सकता है। लेकिन गाइजर अगर इसका साइलेंसर गाइजर इतने ऊंचाई पे होने के बजाय कहीं और होता तो गाइजर इसका चलना लगभग इम्पॉसिबल होता है। लेकिन गाइजर आप सच में देख सकते हो जो ट्रैक्टर का साइलेंसर होता है ना गाइजर, वो काफी ज्यादा ऊंचा है और इसीलिए गजर इतने पानी के अंदर आसानी से चल सकता है, क्योंकि गजर किसी भी वाहन के अंदर साइलेंसर में अगर पानी चल जाए तो गजर वाहन का पानी के अंदर चलना इम्पॉसिबल है। लेकिन गजर इसका साइलेंसर काफी ज्यादा ऊंचा होने के कारण ये पानी के अंदर भी आप आसानी से चल सकते हैं।
मानू गाइजर ट्रैक्टर को हम सच में पानी में चलाते तो सच में काफी ज्यादा मजा आता है। लेकिन गाइजर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गाइजर आप सच में गाइजर कहीं पर भी दोहराने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि गाइजर पानी के अंदर आप लोगों को पता है कि गाइजर कहीं ज्यादा गहरे गड्ढे होने के कारण गाइजर पूरी तरीके से ड्रॉप भी हो सकते हैं। इसीलिए गाइजर वैसे तो मैं आप लोगों को कहीं पर भी गंदगी की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, लेकिन गाइजर सच में गाइजर पानी के अंदर ट्रैक्टर को चलाकर सच में काफी मजा आ गया। लेकिन गाइजर आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गाइजर आपका छोटा भाई का चैनल समझ के गाइजर रेड कलर का बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।